दोस्तों आम भाषा में अगर कहें तो ओवरीज के सामान्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने और नियमित रूप से अंडे के रिलीज न होने की समस्या को पीओएफ कहते हैं, यानी प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर। पीओएफ यानी 40 की उम्र से पहले ओवरीज का सामान्य रूप से काम न करना। कह सकते हैं कि ओवरीज में सामान्य रूप से एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण न होना या नियमित रूप से अंडे का रिलीज न होना, इसे निसंतानता या बच्चा न होना कहते हैं और ये आम समस्या है। अब सवाल ये उठता है कि इसके लक्षणों की हम पहचान कैसे करें। इसके लक्षण होते हैं जैसे अनियमित माहवारी, बहुत ज्यादा गर्मी व पसीना आने की शिकायत, और जल्द से जल्द हमें अगर ये शिकायत रहती है तो किसी एक्सपर्ट से हमें जांच करवानी चाहिए। ब्लड टेस्ट में यदि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन 25% से ज्यादा पाया जाता है तो पीओएफ होने की आशंका हो सकती है। पिछले कुछ समय से महिलाओं में उम्र से पहले ओवरीज फेल होने के मामले बहुत बढ़ रहे हैं। हालांकि ये समस्या आनुवांशिक है, लेकिन पर्यावरण व जीवन शैली जैसे कि धूम्रपान, शराब पीने की लत, लंबी बीमारी जैसे थायराइड, ऑटोइम्यून रोग, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी भी इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा जेनिटल टीबी भी उम्र से पहले ओवरीज फेल होने की वजह हो सकती है। दरअसल बदलता पर्यावरण और जीवन शैली के कारण शरीर में कई बदलाव समय के अनुसार नहीं हो पाते और गर्भधारण में भी कई पहलू महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए उम्र से पहले ओवरीज फेल होने के कई मामले देखने को मिलते हैं। इस तरह की समस्या से बचाव के लिए बेहतर समय पर परिवार बढ़ाने के बारे में सोचना। कई नई तकनीकों के जरिए इसका इलाज संभव है। पीओएफ वैसे तो आनुवांशिक है, लेकिन महिलाओं की जीवन शैली नियंत्रित करने की जरूरत है। मेनोपॉज से गुजर रही महिलाओं के लक्षण उम्र से पहले ओवरीज फेल होने वाले महिलाओं के जैसे होते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो में आप पीओएफ के बारे में जो जानकारी दी गई है वो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज हेल्थ के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।